कुल्लू जिला में बागवानों ने इस बार ओलावृष्टि से फसल को बचाने के लिए हेलनेट लगाए हैं। बागवानी विभाग द्वारा भी बागवानों को हेलनेट लगाने के लिए 80% तक उपदान दिया जा रहा है। कुल्लू जिला में हेलनेट लगाने के लिए 2,80,00,000 रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कुल्लू जिला में बागवानों को ओलावृष्टि से हर साल फसल खराब होने के कारण लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष जिला के बागवानों की फसल को ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिला में हेलनेट लगाने के लिए 2,80,00,000 रुपए का प्रावधान किया है। बागवानों का कहना है कि इस वर्ष उन्होंने बड़े पैमाने पर हेलनेट खरीदी है और सरकार की तरफ से मिलने वाले 80% अनुदान का लाभ उठाया है। उनका कहना है कि हेलनेट लगाने से बागवानों की फसल जहां ओलावृष्टि से बचेगी, वहीं पक्षियों से भी फसल को बचाया जा सकेगा। हेलनेट जो है काफ़ी लगे हुए ताकि जो है इससे ओलावृष्टि से जो है बचाव हो रहा है। सरकार ने काफ़ी अच्छी मुहिम लगाई हुई है जिसमें सरकार जो है उस पर जो है 80% जो है सब्सिडी दे रही है। इससे जी काफ़ी बागवान को काफ़ी राहत मिली हुई है। अलग घाटी के भूमतीर, रोपड़ी, बड़ेलगा, जिठानी, नेरी, बड़ागांव, बुठी और पीछे कालंग, सालंग, समालंग जो भी गांव में जितने भी बगीचे हैं वहां पर जो है इसका प्रयोग हो रहा है। और इससे जो है पक्षियों का, जैसे हमारे तोते जो है फलों फसलों का नुकसान करते हैं, इससे इसका बचाव हो रहा है। बहुत लगे हुए हैं और ओले पे भी नहीं पड़े हैं लेकिन पड़ने की संभावना है, उसको बचने के लिए वो लगाए गए हैं। बार जैसे कि ओले पड़ने की वो संभावना जैसे काफ़ी है, लेकिन सभी ने वो हेलनेट और लगाए गए हैं ताकि ओले से बच जाए। सभी सब्सिडी मिल रही है, 80% वो सब्सिडी मिल रही है और लोगों ने भी उसका फायदा, भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।